अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमारे शहर में लगभग 70-1 आज 70-1 तकफीम करे हैं। इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिमों को भी, आज ही एक गैर मुस्लिम को भी तकफीम किया गया है। ये नई पेट से कल हमारे को कॉल आया था श्रीनू से, ये जी साई बाबा के शख्स के नाम के शख्स इंतकाल कर गए हैं, उनको आज तदफीम किया गया है। वो उनके प्रोटोकॉल जो गैर मज़हब के रसूमात के हिसाब में उनको तदफीम किया गया है। इंशाल्लाह और भी हमारी टीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम जो भी मज़हब से इंतकाल कोविड या नॉन कोविड से भी है, इंशाल्लाह हम इनका साथ देंगे। और इनको कोई मदद यानी पीपी किट और कफिन बॉक्स अगर जो ज़रूरतमंद है, इंशाल्लाह इनको भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री में दिया जा रहा है। मेरा नाम जहांगीर अहमद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीए की तरफ से जो डेड बॉडीज़ को तकसीम करने का काम कर रहे हैं, आज कौन सा भी मज़हब रंदे, वो हिंदू रंदे मुस्लिम रंदे, ऑल कैस्ट के लिए हम लोग आज सामने आके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम बोल के नहीं, ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। ये आज कोविड-19 का जो भी डेड बॉडीज़ है, जो कोरोना वायरस से डेथ हो रहा है, उसके वास्ते सब जात के लिए, ऑल कैस्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज एक डेड बॉडी डेथ हो गई कोरोना वायरस की वजह से, जी साई बाबा जो नई पेट के रहने वाले हैं उनके वास्ते भी आज जाके हम लोग उनका आखिरी जो डेड बॉडी हिंदू जो उनके हिसाब से जो संस्कारम करते हैं ना, उसके हिसाब से उनका भी आज उनका फाइनल जो डेड बॉडी का अंतिम क्रिया लो करे हैं। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसका साथ देते हुए मैं SWC मेंबर समीर आज जो कोरोना वायरस से काम कर रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स जो भी है, कैडर्स हमारे दिन रात मेहनत करके इसकी टीम जो है मुसलसल लगातार जो भी फ़ोन आया इमिडिएटली कोविड-19 का है उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरे इंसानियत के हिसाब से पूरे इंडिया में और पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ भी है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वहाँ पर काम कर लेते आ रही है। मैं SWC मेम्बर समीर, अस्सलाम वालेकुम। CPM पार्टी के तरफ से आज कलेक्टर ऑफिस का हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि हाउस क्वारंटम को आज कलेक्टर यहाँ के निकाल डाले हैं। हाउस क्वारंटम रखना बोलने का हमारे CPM तरफ से मांग है, क्योंकि पब्लिक को आज सही सहूलत हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है। डॉक्टर को ज़रूरत है, सो चीज़ा ब्लाउजा होंगे, सैनिटाइजर होंगे, PPE की ड्रेसा होंगे, ऐसे क्या भी वहाँ सहूलत नहीं दिए सर का, दवाएँ गोले सही तरीके से नहीं कर सर का, आज हॉस्पिटल में रखो, डॉक्टर को बदलाम करने के वास्ते गवर्नमेंट कर रही है। उसका से हमें मांगते हैं कि सही तरीके से अगर देना रहे तो करना बोलिए तो तुम्हें करोना ऐसा कोविड-19 पेशेंट अगर हाउस में रखो भी, हाउस क्वारंटाइन में रखो भी अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं करने की वजह गवर्नमेंट की लापरवाही बता जा रही है। इसलिए हमें CPM पार्टी से डिमांड करें कि हाउस क्वारंटाइन को कंटिन्यू से घर में रखने देना बोलने का हमारी मांग है। कर्नूल शहर में कल के अखबार में कलेक्टर साहब ने पेपर स्टेटमेंट दिए है, होम कॉन्ट्रेक्टर उठा डालते हैं बोल के, वो अब के माहौल में करोना बहुत बढ़ जाता है। कलेक्टर साहब से हमें कर्नूल से CPM पॉलिसी से कुछ गुजारिश है, होम क्वारंटाइन में रहे तो उसमें आदमियों को हिम्मत आती है, मेडिसिन अच्छा देते हैं, होम क्वारंटाइन कंटिन्यू करना बोल को कर्नूल के तरफ से CPM पार्टी टाउन कमेटी से डिमांड करते हैं। होम क्वारंटाइन बोलने का एक दवा ये देते, मेडिसिन देते, उनको खाना अच्छा मिलना, उनको हिम्मत आती, हिम्मत आई तो अच्छे रहते हैं। उन्हों होम क्वारंटाइन उठा ले तो बाहर पब्लिक को अभी बीमारियाँ बढ़ जाती अभी तकलीफ हो जाती। ये उठा डालने के बाद वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों को परेड हॉस्पिटलों गिरा का था बोल को ये हुकूमत
वाईएसआर पार्टी से करती है, कोशिश करती है, ये सही नहीं बोल के हमें सीपीएम पार्टी से दरखास्त करती हैं। अब के माहौल में बहुत बीमारियां बढ़ जाती हैं, ये कंटिन्यू करना बोल के सीपीएम पार्टी से डिमांड करते हैं। भयपड़े सड़ा पिछड़ चाना भयपड़े अंदर मामूली मन कर्नूल यूपी में दिन ब दिन कोविड केसेस बढ़ रहे हैं बहुत सारे पास, और डेली कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1300-1200 ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि जनरल हॉस्पिटल में पेशेंट उन्हें बेड नहीं बोल को बोल के भिजा डालती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वहाँ भी बेड नहीं बोल बोलती हैं, इसलिए पॉजिटिव आए सुनों को बहुत मुश्किल है, ट्रीटमेंट कराने के वास्ते बहुत मुश्किल है क्या, इसलिए हमें इधर सुंदराय भवन में एक कोविड-19 फ्री आइसोलेशन सेंटर एक रखे है, उसमें पेशेंट्स आ रहे, ये पेशेंट को डेली रेगुलर एक 14 दिन तक उनका ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट उनका क्वारंटाइन आइसोलेशन में रखे बाद में भिजाते हैं, ओनली पॉजिटिव है सुनो कुछ हमें एडमिट कर रहे क्या फ्री से कर रहे, इसके ये रखे इसको हमारे हैदराबाद से अलहमद चैरिटेबल ट्रस्ट और मेस्को वाले हमारे को फखरुद्दीन साहब के डॉक्टर फखरुद्दीन साहब के टीम हमारे लिए ये सपोर्ट करते हुआ हमारे को जो मेडिसिन भी चाहिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दो, अभी खिदमत करने के वास्ते अभी सेहत दो बोल के हमें इसकी तरफ से हमें सबको मालूम कराते हैं, ये खास कर को फखरुद्दीन साहब और टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुआ मैं इसकी तरफ से कोविड सेंटर की तरफ से अभी आइंदे में भी ऐसा हेल्पिंग होता है उनको समझ लूँ, खुदा चाहे वो रोडों पर हो चाहे वो शादी खानों पर हो रिलीफ पे लगे थे, अगर से ये रिलीफ इजिप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहे हैं, अगर से इजिप्ट में जो भी ताकत बनाता है वो भी पावरफुल पार्टी, लेकिन अफसोस जो उम्मत है मुसलमान ये बात को समझने की जरूरत है, जो भी लीडरशिप बोल रही है उसको खरीदा जा रहा है और ये लीडरशिप भी जा रही है, आई से रोकना है बहुत बड़ी आशी का ये इसका अजर है, लेकिन सही लड़ाई अगर गैर मुस्लिम है तो उनके मजहब के एतबार से उनके रसूमात पूरे करना, इसके लिए जो आगे बढ़ के अपने जानों को मुट्ठी में लेके आगे बढ़े हैं वो नौजवान, अल्लाह उनकी नस्ल की, उनकी बीवी बच्चों के, उनके खानदान की हिफाजत फरमाए, वो नौजवान है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI वाले, अल्लाह इनके एक एक कैडर की, एक एक आदमी की, एक एक बच्चे की ज़मीनी बलाओं से, आसमानी बलाओं से, बीमारियों से, हासिदों से, शरपसंदों से, हर एक से हिफाजत फरमाएं, हर एतबार से हिफाजत फरमाएं, क्योंकि ये लोग पैसों के लोग नहीं, ये लोग पैसों के लोग, मैं तो ये कहता हूँ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI वाले दीवाने हैं, नोट कर लो भैया मेरा वर्ड दीवाने, वो जमात जो मंदिर को बचा रही है, जो पुलिस स्टेशन में पुलिस की जिम्मेदारियों के साथ फिर रही है, और वैसी जमात को इल्जाम लगाया जा रहा है और हम सोचकर खामोशी एहतजाज नहीं कर रहे, आवाज नहीं उठा रहे, क्यों, क्या वो आप इल्जाम को सही समझ रहे, क्या वो इल्जाम जो लगाने वाले सही और हम गलत है, नहीं,
हक जान रही लोग, लेकिन हक के लिए आगे आने वाले की कमी है। ना हक जान रही, ना के खिलाफ लड़ने की ताकत हमारे में नहीं। जब तक हम ना हक के खिलाफ हक के आगे साथ आगे से नहीं रहेंगे, कयामत तक सिर्फ आप सिर्फ तकरीरों पर इस्तीफा करना पड़ेगा, अच्छे बातें सुनकर व्हाट्सएप पे सुनकर अपने आप को लोरी देकर सुलाना पड़ेगा, सुलाते रहेंगे, लेकिन इंसाफ नहीं ले सकेंगे। ये रिलीफ हर कोई करता है, हिंदुस्तान के बहुत अच्छी सब आवाम रिलीफ करती है। सोशल जस्टिस के आगे, जस्टिस के लिए आगे आने की जरूरत है। तो मेरे क्या बहुत से भी ओल्ड सिटी के पीछे जो मिशन रखे हैं सैनिटाइज के, जो 5 मिशन पीछे हैं, इससे सैनिटाइज हम लोग करेंगे। अगर हो सके तो अब तो ये सितंबर के शुरुआत से स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, अगर स्कूल के लोग बुलाए तो स्कूल को जाकर सैनिटाइज करेंगे, मस्जिदों को मंदिरों को सैनिटाइज करेंगे, और भी जो अगर गवर्नमेंट पब्लिक जो भी ऑफिस है वहाँ पर अगर कॉल आया तो मुफ्त में जाकर सैनिटाइज भी हम लोग करेंगे बोलकर यहाँ के पॉपुलर फ्रंट की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो फैसला लिया है, दिल की गहराइयों से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से ये जो यहाँ पर अनाउंसमेंट प्रोग्राम किया जा रहा है, ख़ास करके ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आज COVID-19 से जो लोग गुजर जा रहे हैं, इनके लास्ट राइड के लिए जो है बहुत सारे लोग, उनके फैमिली के लोग भी जो है ना आगे नहीं आ रहे हैं, मगर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे दिन से उनकी तदफीन तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर तदफीन में शामिल नहीं हो रहे और जो लोग जो है ना जिनके पास तदफीन करने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को जो है डोनर्स हमारे पास आगे आकर हम लोगों को जो है ना बहुत सारे चीज़ें डोनेट करे हैं, और उसमें जो है ना एक बॉक्स है जैसे मैयत को जो है ना उसमें रखकर खबर में दफन किया जाता, और पीपी किट्स है और सैनिटाइजर्स है और मास्क है, बहुत सारे चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें जो है ना डोनर्स हम लोगों को दे रहे हैं। तो हम लोग ये 15-20 हज़ार जो है ना इसका एक डेड बॉडी का खर्चा आ रहा है, ये खर्चा जो है गरीब लोग उठा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जो है हम लोग इनको मुफ्त में यहाँ से जो है ना ये पूरा सामान इन लोगों को दे रहे हैं। मैं यहाँ कर्नूल शहर के सारे लोगों से जो है मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सभी हजरा जो है ना ऐसा अगर कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम हो गया तो आप लोग जो है ना पॉपुलर फ्रंट और SDPA के कारकुन को आप लोग जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर जो है ना ये सारे चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है तदफीन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है वो टीम तदफीन भी जो है कर आ सकती है। शुक्रिया।